बैक माय चैनल शगुन लाइफस्टाइल। तो गाइस अभी बच्चे हैं शाम के 7 o'clock और जैसे कि आपको पता ही है दिवाली तो बहुत ही ज़्यादा करीब है। कल परसों दिवाली स्टार्ट तो हम जा रहे हैं, आज हमें पापा आएंगे फिर हम जाने वाले निकलने वाले हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। और आज फर्स्ट टाइम चिक्की मम्मी भी हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए सुपर मार्केट आने वाला है। ये मुझे भी बहुत सुपर मार्केट। अभी हम जाके दिवाली का शॉपिंग करेंगे, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। और ना चिक्की बेबी का फर्स्ट टाइम हम सब लोग के साथ सुपर मार्केट में शॉपिंग होने वाली है। हाँ चीज क्यूब्स। अरे देवा बघ इथं काय घ्यायचं। मेवानी सॉस तो पर मैंने ये दो सेल लिए। हमारे पूरी क्या बोलते हैं जरा हमारा कार्ड पूरा भर चुका है। अब सुपर मार्केट में मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया है सोरियन, उस दिन बर्थडे आया था। हाय इट्स ऑल शॉपिंग करते वक्त। और अभी घर पे जाके मम्मा वही चेक वगैरह करना पड़ेगा। तो चल मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट घर, क्योंकि सामान बहुत है तो रखना पड़ेगा, पापा की हेल्प करनी पड़ेगी इसके वजह से। तो तब तक के लिए बूम। तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक माय चैनल शगुन लाइफस्टाइल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 o'clock। आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, 8 बजे ही उठी हूँ क्योंकि। तो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने ये जैकेट और जीन्स पहनी हुई है वो वाली। अरे भी हम निकल रहे हैं, मुझे तो आप नींद आ रही पर चलो चल। बेबी कौन है? ठीक है तो अभी हम ये देखो बाहर का नजारा कुछ इस तरह से। हम ट्रेन से जा रहे हैं बट हम गाड़ी से डायरेक्ट नायगांव वेस्ट जाएंगे और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि नायगांव ईस्ट से अगर ट्रेन पकड़े तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए हम नायगांव वेस्ट जा रहे हैं गाड़ी से। हम रिक्शा पकड़ने वाले थे पर रिक्शा ने हमें गाड़ी दिखी और हमने बोला चलो अभी गाड़ी ले लेते हैं। तो गाइस हम फाइनली स्टेशन पे। तो गाइस हम ट्रेन से उतर चुके हैं और फाइनली हमें टैक्सी मिल चुकी है और अभी हम जाएंगे इस टैक्सी की मदद से हजारी और वहाँ की जाके दुआ वगैरह मांगेंगे और फिर आगे का तो पता नहीं।
पर पता नहीं बांद्रा पे कब जाएंगे क्या। तो गाइस फाइनली हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं, बट थोड़ा सा अभी और अंदर जाना है सब लोग लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम एग्जाम कर चुके हैं, थोड़ा अभी हम सब लोग जाएंगे। मम्मा सबसे पहले उसके बाल डालने हैं या क्या करना है? चादर फूल ले लो। आपको याद ही होगा हम पहले पे आए जब चिकन पेट में था नानी नानी के साथ। देखो पानी का व्यू है, पानी थोड़ा लो थोड़ा लग खाली। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। तलक तू पना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। और उसके बाल भी हमने डाल दिए बस। तो चलो अब चलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ बांद्रा सेलिंग से बांद्रा। ये तो गाइस अभी मैं मेरे लिए ना नाइट सूट देख रही हूँ, देखो कितना अच्छा है, सिल्क भी है ना अच्छा। टर्न हो जा style is what I call art.
हेलो चिकी, काम चिकी, ए चिकी, अल मम्मा अजीशनु, वाह 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 वाह, चल। बस पैसे आहे का सुटते चल जा बेटा साव कसा स्लोली ऐक ना रिक्षा कधी आहे ना मग बेटा क्या बेटा अंदर आने से पहले यहाँ पर एक
जो बनाते खाना वगैरह ऑर्डर देते हैं वो है, और एक स्पेशल फैमिली के लिए रूम है, देखो ज़्यादा लोग हैं और फिर उसके लिए ये स्पेशल फैमिली का है जो। पर गाइस आज आपको मैं बात में ना कुक से भी बुलाऊंगी, ओके। तो एक चीज़ मुझे इसकी इतनी अच्छी लगी है, मेरे पापा ना जब भी आते हैं तो इसी होटल में, इनका ना जो ऑफिस है यहाँ पर, ये रोड क्रॉस करने के बाद ना HDFC ये है ऑफिस है, तो वहाँ से वो यहाँ पर ही खाना खाने आते हैं। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहो यहाँ पर आ सकते हो, मैंने जो इसका टेस्ट किया वो इतना अच्छा था, बेस्ट 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 फ्राइडी था, क्योंकि ये स्पेशल चाइना का डिश है और ये चाइना की तरह है या नहीं मुझे पता नहीं, बट आई लव दिस। आप जरूर विजिट करना, बाय। आप वापस बुलाते सही बाय करना। हाँ सो गाइस यहाँ के लिए स्पेशल कुक है जो कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और आपके हाथों में ऐसा क्या स्पेशल है? तो थैंक यू, बहुत अच्छा खाना था, थैंक यू। सो गाइस हम फाइनली स्टेशन पहुँच चुके हैं, हमें स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक खाने में एकदम जोश में, और एलिवेटर से हम जा रहे हैं बहुत तकलीफ। कितने बज रहे वैसे? मम्मा यहाँ पर 12 बज गए और मम्मा बोल रहे थे कि 12 बजे पहुँचेंगे, 1:30 तक लगेगा ही लगेगा।